मध्य प्रदेश में मिलावटखोरों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई को प्रभावी बनाने और मिलावटखोरों में कानून का डर बैठाने के लिए उज्जैन कलेक्टर ने एक सार्थक पहल की है। कलेक्टर शशांक मिश्रा ने नकली घी बनाने वाले एक संघी नेता पर रासुका लगाकर जेल भेज दिया है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में मिलावटखोरी के खिलाफ बड़ा और सख्त कदम उठाया गया है। नकली घी बनाने के आरोप में उज्जैन के एक फैक्ट्री संचालक डॉक्टर कीर्ति केलकर को रासुका में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को इंदौर जेल भेज दिया गया है। डॉक्टर केलकर पेशे से डॉक्टर हैं और उज्जैन में क्लिनिक चलाता है। दरअसल उज्जैन में श्री कृष्ण गृह उद्योग के नाम से फैक्ट्री चलाई जा रही थी। मंगलवार को प्रशासन ने इस फैक्ट्री पर छापा मारकर 800 किलो नकली घी और घी बनाने का सामान बरामद किया गया था। घी बनाने के लिए सोया तेल, वनस्पति घी और एसेंस का इस्तेमाल किया जा रहा था। जो खाद्य सामग्री में मिलावट की गतिविधि करते हैं उसे हम लोग छापे भी डाल रहे हैं और साथ ही उनके नमूने भी लिए जा रहे हैं। और इसके अलावा विशेषकर हम लोग जो दुग्ध एवं दुग्ध से बने पदार्थ उनके संबंध में हम लोग विशेष रूप से अपनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अभी कल ही हम लोगों ने एक बड़ी संख्या में जो फैक्ट्री में अपना अवैध या अनाधिकृत रूप से नकली घी निर्माता निर्माण कर रहे थे उनके विरुद्ध हम लोगों ने अभी कल ही कार्रवाई की है। उनकी बड़ी संख्या में हम लोगों ने बड़ी क्वांटिटी में उनका सैंपल जब्त किया है। लगभग 4 लीटर उसमें केमिकल हमको प्राप्त हुआ है और 102 किलो नकली घी हमको प्राप्त हुआ है। और पूर्व में भी वो 2 बार दोषी पाए गए हैं, इसीलिए उनके विरुद्ध हम लोगों ने NSA के तहत उनके ऊपर कार्रवाई भी की है। मिस्टर कीर्ति केलकर हैं जिनके विरुद्ध हम लोगों ने NSA की कार्रवाई की है और उनको 6 बजे हम लोगों ने जेल दाखिल भी किया है। मैं पिछले कई दिनों से सूचना प्राप्त हो रही थी कि केलकर परिसर में नकली घी का व्यवसाय किया जा रहा है। उसी सूचना के आधार पर हम लोग नापतोल की टीम, आपूर्ति विभाग की टीम और नगर निगम की टीम के साथ यहां उपस्थित हुए। यहां घी का निर्माण बेकरी सॉर्टिंग के नाम से किया जा रहा था। वनस्पति एसेंस और रिफाइंड सोयाबीन को मिलाकर ये लोग बेकरी सॉर्टिंग घी जैसा एक प्रकार का पदार्थ है बनाया तैयार किया जा रहा था। यहां पर 450 किलो वनस्पति, 100 किलोग्राम लगभग नकली घी जैसा अपन कह सकते हैं नकली घी बेकरी सॉर्टिंग पाई गई है। इसके अलावा जो एसेंस है वो घी जैसा एसेंस है, उस पर लिखा भी एसेंस घी के ऊपर, वो पकड़ा है हमने। सभी के हमने नमूने लिए हैं और स्टेट फूड लेबोरेटरी की जांच के लिए भेजा जाएगा। इससे पूर्व भी यहाँ पर केलकर पैसे में दबिश देकर हम लोगों ने कार्रवाई की थी। प्रकरण न्याय निर्णायक अधिकारी के यहाँ प्रस्तुत भी किए हैं और उन दोनों में इनको जुर्माना और सजा भी हुई थी। बीच में इन्होंने शायद बंद कर दिया था, फिर पुनः हमको सूचना प्राप्त हो रही थी इनके द्वारा पुनः ये कार्य किया जा रहा है और इसी क्रम में हम लोगों ने आज कार्रवाई की है। इसके अलावा नगर निगम ने भी 30 किलो पॉलीथीन जब्त की है। डॉक्टर केलकर की इस फैक्ट्री में तैयार नकली घी आसपास के ग्रामीण इलाकों में खास तौर पर शादी ब्याह में सप्लाई किया जाता था। फैक्ट्री मालिक डॉक्टर कीर्ति केलकर का उज्जैन में क्लिनिक भी है। घी के गोरख धंधे में उनका बेटा भी शामिल था। मिलावट के इस खेल में खाद्य विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं इस कार्रवाई से कलेक्टर की प्रशंसा की जा रही है। खुद स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने कलेक्टर की पीठ थपथपाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, उज्जैन।